दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि टाटा स्काई अब टाटा प्ले हो चुका है, और आप ये भी जानते होंगे कि टाटा प्ले पर आप बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ अब नेटफ्लिक्स पर चलने वाले कंटेंट्स का भी मजा ले पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेटफ्लिक्स को किस तरीके से आप टाटा प्ले पर एक्टिवेट कर पाएंगे उस बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स तरीके से बात करेंगे। तो सारे बातों को अच्छे तरीके से जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो टाटा प्ले बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स के यूजर्स के लिए तो उपलब्ध होगा ही होगा एज ए ओटीटी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ टाटा ने टाटा प्ले बिंज कॉम्बो पैक अपने सब्सक्राइबरों के सामने पेश किया है। अब आप पूछेंगे कि ये टाटा प्ले जो बिंज कॉम्बो पैक्स है वो क्या है? तो ये जो कॉम्बो पैक्स है उसमें आपको लाइव सैटेलाइट चैनल्स के पैक के साथ साथ बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पैक्स एक साथ क्लब करके दे दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पैक को जब आप एक्टिवेट कराएंगे अपने टाटा प्ले सेट टॉप बॉक्स में तो लाइव सैटेलाइट चैनल तो देख ही पाएंगे, साथ के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे चलने वाले कंटेंट्स का भी मजा ले पाएंगे। और दोस्तों, टोटल 90 तरीके का कॉम्बो पैक्स टाटा ने अपने सब्सक्राइबरों के लिए पेश किया है। उस 90 तरीके के कॉम्बो पैक्स में अलग अलग तरीके का लाइव सैटेलाइट का पैक और अलग अलग तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पैक एक साथ क्लब करके अपने सब्सक्राइबरों के सामने टाटा ने पेश किया है। अब जो भी यूजर है वे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस 90 तरह के कॉम्बो पैक से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैक सेलेक्ट करके देख पाएंगे। अब आप पूछेंगे एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन किस किस तरीके के यूजर्स कॉम्बो पैक को एक्टिवेट कर पाएंगे? तो दोस्तों, टाटा प्ले के सभी तरह के यूजर्स ये कॉम्बो पैक को अपने अकाउंट में एक्टिवेट कर पाएंगे। बस शर्त क्या है कि उस तरीके के टाटा प्ले के यूजर्स इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे कॉम्बो पैक को जिसके पास एक्टिव कनेक्शन होगा। एक्टिव कनेक्शन होना जरूरी होता है इस कॉम्बो पैक को एक्टिवेट करने के लिए। चाहे यूजर के पास टाटा स्काई बिंज प्लस का सेट टॉप बॉक्स हो या ना हो, या टाटा स्काई बिंज फायर टीवी जो स्टिक होता है वो हो ना हो, एचडी के यूजर हो या ना हो, इवन स्टैंडर्ड डिफिनेशन के जिसके पास सेट टॉप बॉक्स है वे लोग भी अब कॉम्बो पैक को ले सकते हैं ताकि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देख सके। आगे हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डिफिनेशन वाले यूजर किस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देख पाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ओटीटी पैक्स दे रहा है टाटा प्ले उसमें कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें आपको G5 का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वूट सेलेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, वूट किड्स आपको देखने को मिल जाता है, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम जो ओटीटी ऐप है वो देखने को मिल जाता है, साउथ में फेमस जो ऐप है सन नेक्स्ट वो भी देखने को मिल जाता है, एरोज नाउ जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो भी जो टाटा प्ले का ओटीटी पैक है उसके अंदर देखने को मिल जाता है, सेमारू मी देखने को मिल जाता है, हंगामा प्ले देखने को मिल जाता है, एपिकॉन देखने को मिल जाता है और डोकूबे देखने को मिल जाता है। और इस सब के अलावा जो नया एंट्री हुआ है ओटीटी ऐप का, नेटफ्लिक्स भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसे आपको अलग से एक्टिवेट कराना होगा। मतलब नेटफ्लिक्स का कॉम्बो पैक आपको अलग से लेना होगा, और नेटफ्लिक्स का कॉम्बो पैक जो टाटा ने पेश किया है वो 399 रुपये प्रति महीने के हिसाब से स्टार्ट हुआ है और आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और नेटफ्लिक्स के जो तीन तरह के पैक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तीनों तरह के जो पैक्स है नेटफ्लिक्स के वो आप इसमें एक्टिवेट करा पाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग चार्जेज देने होंगे। अब आप पूछेंगे चार्ज कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों, ये जो कॉम्बो पैक्स है या नेटफ्लिक्स कॉम्बो पैक्स है उसका चार्ज मंथली बेसिस पे आपसे चार्ज किया जाएगा। हर महीने के हिसाब से आपसे
पैसे लिए जाएंगे। और वे पैसे कब लिए जाएंगे, तो एक महीने का चार्ज आपका जब आप पैक को एक्टिवेट कराएंगे उस समय कटेगा, या जब आपका जो पैक है वो रिन्यू होगा उस समय एक महीने का चार्ज पूरा कट जाएगा। और अगर आप कोई कॉम्बो पैक को रिमूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो कॉम्बो पैक का जो रिमूवल है वो नेक्स्ट रिन्यूअल साइकिल से पहले करना होगा, ताकि वो आपके अकाउंट से रिमूव हो सके। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मैं एक कॉम्बो पैक को एक्टिवेट करा लूंगा तो उसको दूसरे पैक में स्विचिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो किस तरीके से करूंगा। तो अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि आप एक कॉम्बो पैक से दूसरे कॉम्बो पैक में कैसे स्विच कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक कॉम्बो पैक आपके जो सेटअप बॉक्स है उसमें चल रहा है, तो आप दूसरे कॉम्बो पैक में इमीडिएट बेसिस पे तुरंत आप स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बाध्यता नहीं दी गई है, जब चाहें आप एक कॉम्बो पैक से दूसरे कॉम्बो पैक में स्विच कर सकते हैं। इवन जो बिलिंग साइकिल है उसके अंदर भी आप कभी भी इमीडिएट आप एक कॉम्बो पैक से दूसरे कॉम्बो पैक में स्विच कर सकते हैं। उसमें होगा क्या, जब एक कॉम्बो पैक को से आप दूसरे में स्विच करेंगे तो जिस अकाउंट को, जिस कॉम्बो पैक को आप ड्रॉप करेंगे, उसका जो बचा हुआ, जो बिलिंग साइकिल का बचा हुआ जो पैसा है वो आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा, उतने पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। और जिस कॉम्बो पैक को आपने एक्टिवेट करवाया है, मतलब जिस कॉम्बो पैक में आप स्विच किए हैं, उस कॉम्बो पैक के लिए पूरे एक महीने का चार्ज आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप एक कॉम्बो पैक से दूसरे कॉम्बो पैक में स्विच कर पाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप OTT जो ऐप है उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों, पहले की तरह ये बाध्यता नहीं है कि जब आप टाटा स्काई विंज प्लस सेट टॉप बॉक्स या टाटा स्काई का जो फायर टीवी स्टिक है था उस पे केवल आप OTT ऐप को देख पाते थे, लेकिन ये बाध्यता नहीं है। अब टाटा प्ले के यूजर्स OTT ऐप को कहीं पे भी देख सकते हैं, सारे डिवाइसेस पे वो देख सकते हैं जहां चाहे, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो। तो OTT जो ऐप है उसका मजा वो किसी भी डिवाइस पे ले सकते हैं, इसकी बाध्यता नहीं दी गई है। तो टीवी पे आप टीवी पे भी देख सकते हैं, और अगर आपको प्राइवेटली देखना है तो आप उस OTT ऐप्स के कंटेंट को अकेले में स्मार्टफोन्स पे भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स का एक्टिवेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स के एक्टिवेशन में सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स को कॉम्बो पैक से एडिशन करेंगे, नेटफ्लिक्स का कॉम्बो पैक से एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे किसी कॉम्बो पैक से, तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, और उस मैसेज में आपको एक यूनिक लिंक मिलेगा, और उस लिंक के थ्रू आप नेटफ्लिक्स को एक्टिवेट कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका जैसे कोई नेटफ्लिक्स का आपने प्लान एक्टिवेट करा लिया, तीन तरह के होते हैं ना, स्टैंडर्ड, बेसिक और प्रीमियम, कोई एक अगर आपके पास पैक एक्टिव है और दूसरे में आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। मतलब अगर आपके अकाउंट में नेटफ्लिक्स बेसिक का पैक है किसी कॉम्बो पैक में, और आप चाह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड या नेटफ्लिक्स प्रीमियम में मेरा जो नेटफ्लिक्स का अकाउंट है वो अपग्रेड हो जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ऊपर का जो चार्ज होगा वो आपको फिर अलग से देने होंगे, मतलब आपके अकाउंट से वो अलग से पैसे कट जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स बेसिक है उसका चार्ज कम होता है, फिर नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड का उससे थोड़ा ज्यादा चार्ज होता है, और सबसे महंगा जो नेटफ्लिक्स का प्लान आता है वो नेटफ्लिक्स प्रीमियम वाला प्लान होता है। तो आप लोअर वाले जो प्लान है, मेंबरशिप है नेटफ्लिक्स का, उसके अपर वर्सन वाले मेंबरशिप में अगर अपग्रेड कराएंगे तो हो तो जाएगा किसी भी टाइम पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है आपको आपको देना पड़ेगा, और वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। अच्छा, किसी कोई भी कॉम्बो पैक जब आप एक्टिवेट करा लिए, अब आप उसको चाहेंगे कि डिस्कनेक्ट, मतलब डीएक्टिवेशन कैसे हो सकता है, तो पैक का डीएक्टिवेशन का प्रोसेस अगले सेक्शन में हम लोग समझ लेते हैं।
तो कॉम्बो पैक को डीएक्टिवेट आप जो टाटा प्ले का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके कर सकते हैं, कस्टमर केयर से कॉल करके कर सकते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स जो ऐड किया हुआ है कॉम्बो पैक के साथ, उसको डीएक्टिवेट करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इवन कॉम्बो पैक को जब आप डीएक्टिवेट करेंगे वेबसाइट पे जाके या कस्टमर केयर को कॉल करके, तब भी नेटफ्लिक्स का चार्ज अपने आप कटते रह सकता है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स के वेबसाइट से वो एक्टिवेट रहता है। तो नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे भी जाके आपको नेटफ्लिक्स के जो मेंबरशिप है या जो एक्टिवेशन लिया है आपको, वहां से भी डीएक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉम्बो पैक को डीएक्टिवेट करवाएं तो टाटा प्ले से डीएक्टिवेट करवाने के बाद नेटफ्लिक्स के लिए स्पेशली आपको नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाके वहां से डीएक्टिवेट कराना होगा। और जब भी नेटफ्लिक्स के प्लान को आप डीएक्टिवेट करवाएंगे तो वो अगले बिलिंग साइकिल के हिसाब से वो डीएक्टिवेट होगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप किसी भी कॉम्बो पैक को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ आपको टाटा प्ले बिंज फायर टीवी स्टिक बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। ये टाटा प्ले का ऑफर है। कोई भी मतलब कॉम्बो पैक को जब आप लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उसके साथ आपको टाटा प्ले बिंज जो फायर टीवी स्टिक होता है वो फ्री में ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था टाटा प्ले के साथ जो कॉम्बो पैक आता है और नेटफ्लिक्स जो नया नया ऐड किया गया है उसके एक्टिवेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। और अगर आपके मन में कुछ सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड, या जो टाटा प्ले का नया एक्टिवेशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बेझिझक लिख डाले। और जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार बेसिस पे देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।